एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो अभी INC ने एक नया नोटिस निकाला है, ठीक है। तो वो नोटिस क्या है और उसका क्या इफेक्ट होगा आप पर जो भी HNBU MU यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्स करने वाले हैं, और ये कैसे आपको पता चलेगा काउंसलिंग कब से होगी, तो या विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलती हूँ उस नोटिस की तरफ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि उस नोटिस में काउंसलिंग से रिलेटेड क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये रहा वो नोटिस जो INC ने यहाँ पर जारी किया है। ये नोटिस निकला था 21 अक्टूबर को ये निकला है। तो आज ये नोटिस मैंने कहा मैं आप सबको यहाँ पर पढ़ के बता देती हूँ, ताकि आपकी टेंशन थोड़ी कम हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बोल रहे थे दी INC के अकॉर्डिंग तो 31 अक्टूबर तक एडमिशन हो जाने चाहिए थे, उसके बाद वो किसी को एडमिशन में नहीं लेंगे या फिर क्या क्लासेस नहीं होंगी। ये पहले नोटिस मैंने आपको पढ़ के बताया था, तो बच्चे बहुत टेंशन पे आ गए कि दी अब तो काउंसलिंग लेट हो रही है, तो INC के नोटिस का क्या हुआ। तो मैंने तब भी यही बोला था कि डोंट वरी, कोई ना कोई नोटिस आएगा। तो आज वो नोटिस आ गया है, इस नोटिस को पढ़कर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है और मतलब ये आपके लिए कैसे बेनिफिट होने वाला है। पूरा पढ़कर नहीं बताऊंगी, बस मेन पॉइंट को हाईलाइट यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि जो INC है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अपनी जो एडमिशन की जो डेट थी, पहले 31 अक्टूबर बोली थी, उसको यहाँ पर बढ़ा के 31 दिसंबर कर दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पर इजीली पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर साफ बोला गया है कि जो बैच 31 अक्टूबर से पहले एडमिशन ले लेते हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है 31 अक्टूबर से पहले, उनको रेगुलर बैच बोला जाएगा। जिनका 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच एडमिशन होगा, जैसे कि अभी HNBU MU यूनिवर्सिटी में आने वाले सभी ही बैचों का होगा, उनको इरेगुलर बैच बोला जाएगा इससे, ठीक है। और उनकी जो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, 2 जनवरी 2023 से। यहाँ पर ही INC के नोटिस से आपको यहाँ पर ये पता चलता है। रेगुलर इरेगुलर बैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस एक्सटेंड हो चुकी है, जो अक्टूबर से सीधे दिसंबर में चली गई है। तो आपके पास अभी पूरे 2 महीने हैं, नवंबर भी पूरा है, दिसंबर भी पूरा है, आराम से आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशन मिलेगा, डोंट वरी। इसके रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने की अब आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्लियर होता है कि आप लोग दिसंबर तक आराम से क्या कर सकते हो, एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। काउंसलिंग लेट भी होगी तो अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों की काउंसलिंग भी होगी और आपको एडमिशन भी मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़े से जो इंपॉर्टेंट नोट दे रखे हैं नीचे, मैं आपको वो पढ़कर बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव, इसमें जो मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, वो 80% यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई। तो ये था INC का नोटिस जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए और हैप्पी दिवाली टू ऑल।